खिचड़ी मेला गोरक्षनाथ बाबा को ब्रह्मूत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाकर परंपरागत शुभारंभ किया। वहीं देर रात से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का रेला बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी के लिए प्रतीक्षारत रहे। मेले में खिचड़ी चढ़ाने वालों की आ रही भीड़ को देखते हुए पूरे शहर में यातायात परिवर्तन किए गए हैं। शहर और मंदिर के चप्पे चप्पे पर पुलिस पीएसी तैनात की गई है। वहीं पुलिस व प्रशासनिक आला अफसर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही शिवावतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन अपरिचित पर विश्वास न करें। कोई अपरिचित व्यक्ति आपको कुछ खाने पीने की वस्तु देता है तो उसे कतई ग्रहण न करें। वैसे आप दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। नीचे काट की बल्लियां लगी है, चोट लग सकती है। ठंड का समय है, आप धीरे धीरे आगे बढ़े, आपको दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। माताएं कान नाक गले में जो सोने चांदी के आभूषण पानी है उसे भर करके रखें। साल आज ओढ़ी है तो उसको भी पकड़ करके रखें। अपने साथ में है तो उनके हाथ पकड़ करके रखें। संक्रांति का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के मित्रों को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। यह जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। इस चराचर जगत में जहां भी जीव सृष्टि है जगत पिता सूर्य के कारण है। उनकी उपासना का पर्व होने के नाते सबके जीवन में जीवंतता आए,
एक नए उमंग, एक नए उत्साह के साथ सभी लोग अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा सकें, मैं इस बात की शुभकामनाएं भी देता हूं। मकर संक्रांति भारत की पर्व और त्योहारों की जो लंबी और वैविध्यपूर्ण परंपरा है, उसमें इस पर्व का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश के अंदर आप देखेंगे तो मकर संक्रांति का यह पर्व अलग अलग नाम और रूपों में मनाया जाता है। पूरब में बिहू के रूप में, पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो लोहड़ी के रूप में, उत्तर में मकर संक्रांति को खिचड़ी और तिलवा संक्रांति के रूप में, तो दक्षिण में पोंगल के रूप में ये मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी देशवासी मनाते हैं। शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, स्वच्छता और सादगी के साथ हम इस पर्व को मनाएं। मेरी सभी श्रद्धालुजनों से और पूरे प्रदेशवासियों से अपील है, मैं मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को एक बार फिर से हृदय से मकर संक्रांति की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे सभी लोग मकर संक्रांति में जैसे सूर्य देव इस पूरी सृष्टि के पिता हैं, उनके कारण ही हर जीव जंतु में चेतनता आती है। हम उस चेतनता के एक अंश हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा जीवंतता समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अनुकूल होगा। सभी श्रद्धालुजनों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति मकर संक्रांति की हार्दिक